नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો જીએસટીવી। હું છું કૃષ્ણા। સમાચારોની શરૂઆત કરીને સૌપ્રથમ વાત કરીએ તો પંજાબના બઠિંડા સ્થિત આર્મી વિસ્તારમાં ફાયરિંગમાં ચાર લોકોના મોત થયા છે। આ ઘટના બાદ કન્ટેનમેન્ટ વિસ્તારને સીલ કરી દેવામાં આવ્યો છે। આ ઘટના બાદ કન્ટેનમેન્ટમાં કોઈને પણ પ્રવેશવા દેવામાં નથી આવી રહ્યા। સેનાના સાઉથ વેસ્ટર્ન કમાન્ડે નિવેદન જાહેર કર્યું કે બઠિંડા મિલિટરી સ્ટેશનની અંદર આજે સવારે લગભગ 4:35 गोळीबारनी घटनामां चार लोको मौतने भेट्या। स्टेशन क्विक रिएक्शन टीमो सक्रिय करवामां आवी छे अने विस्तारने कोडन करीने सील करवामां आव्यो हतो। हाल सर्च ऑपरेशन चाली रह्युं छे। आर्मी स्टेशनमां फायरिंग अंगे पंजाब पोलीसना एक वरिष्ठ अधिकारी कह्युं के आ कोई आतंकवादी घटना नथी। सूत्रोमांथी मळती माहिती अनुसार कहेवामां आव्युं छे के हुमलाखोर सिविल ड्रेसमां हतो। आ हुमलामां मारे गयेला चार जवानो 80 मीडियम रेजिमेंटना छे। रिपोर्ट अनुसार थोड़ा दिवसों पहला ज युनिट गार्डना रूममांथी एक आईएनएसएस असोल्ट राइफल गुम थई गई हती। एवी आशंका लगाववामां आवी रही छे के आ गोळीबार आनाथी ज करवामां आव्यो छे। राइफल अने फायरिंग करनार व्यक्तिनी शोध चालू छे। तो समग्र विस्तार में नाकाबंदी करी देवामां आवी छे। आ साथे ज सर्च ऑपरेशन पण शुरू करवामां आव्युं छे। पंजाबना बठिंडाना मिलिटरी स्टेशन में फायरिंग थयुं होवाना समाचार सामे आव्या छे। सवारे 4:35 आ घटना बनी। तो पीएम मोदी आजे राजस्थाननी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने भेट आपवा जई रह्या छे। आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फरेंस माध्यम थी जयपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने लीली झंडी बताने तेनो प्रारंभ कराशे। आ प्रसंगे रेलवे प्रधान अश्विन वैष्णव पण जयपुर में उपस्थित रहेशे। गुरुवार थी ट्रेन नियमित रूपे शुरू थई जशे। तो वंदे भारत ट्रेन ने लीली झंडी बतावाना छे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी। અને ગુરુવારથી આ ટ્રેન નિયમિત રીતે શરૂ થઈ જશે। રાજસ્થાન કે ભૌગોલિક સ્થિતિ દેખતે હોય જરૂરી હૈ કે હમારે યહાં લંબી દૂરી હૈ રેગિસ્તાન કે ઇલાકે યહાં પર નેટવર્ક રેલવે કા અધિક અધિક હો। ઇસ બાત કા સંતોષ છે। કોઈ જમાના થા અધિકાંશ રાજસ્થાન કા સુભા બિલ્ડિંગ સમય કે સાથ સાથ મેં पर करीब 6 जमाने से मैं देख रहा हूँ। ये अधिकांश भाग हमारा ब्रॉड गेज।